एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक मंदर की ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर पहुंचा। लगभग 15,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर तो ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां के वर्तमान प्रधान इंद्रपाल सिंह हैं। ग्राम प्रधान बताते हैं कि गांव में कुल वोटर धारकों की संख्या 7,000 तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या 500 है। साथ ही उन्होंने बताया कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों को सरकार से पूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि गांव में 80 हैंडपंप, 200 बिजली पोल और 5 बिजली ट्रांसफार्मर भी लगे हैं। ग्राम प्रधान बताते हैं कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर हैं, जिससे ग्रामीणों को छोटी से छोटी बीमारी के लिए शहर की ओर मुख करना पड़ता है। एबीपीएस न्यूज के माध्यम से ग्राम प्रधान राज्य सरकार व केंद्र सरकार से फंड की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने गांव की जरूरतों को बताया। पंचायत घर, शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी स्कूल बनवाने की मांग की है। विकास खंड पंद्रह के तहसील अधिकारी जिला मुरादाबाद। मैं योगी और मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा विकास कराया है। मेरे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की, शमशान घाट की और एक पंचायत घर की आवश्यकता है, जिससे कि गांव में बहुत प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य की वजह से। मेरे गाँव के लोग मरीज बहुत बाहर जाते हैं। और एक शमशान घाट की, जिससे कि सबको भी मृत्यु होने पर गाँव के लोग कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर जाते हैं। मेरा नाम रणधीर सिंह है, ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर। और जो हमारा गांव मोहम्मदपुर बस्तौर है, इसमें गांव इंद्रपाल सिंह प्रधान जी सही विकास करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे रास्ते पक्के करा चुके हैं। मेरा नाम जसराज सिंह है, ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर का निवासी हूँ। जो हमारे गाँव के प्रधान जी हैं डॉक्टर इंद्रपाल सिंह जी, जब से ये बने हैं गांव में काफ़ी विकास हो रहा है। सड़कें भी पक्की हो रही हैं, आरसीसी सीमेंटेड हो रही हैं सभी जगह जगह, और काफ़ी अच्छा है हमारा गांव जब से ये प्रधान जी बने।